दोस्तों, उस इंसान का चरित्र सबसे ज़्यादा खराब होता है जो दूसरों के चरित्र पर दाग लगाने का प्रयास करता है। इन शब्दों को देख करके आपको अंदाजा लग गया होगा कि आज की जो जानकारी है वह इसी से संबंधित है। हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक न्यूज़ के संबंध में, जिसमें मध्य प्रदेश के एक जिले के प्रिंसिपल के द्वारा एक ऐसी शर्मसार करने वाली घटना घटित की गई है जो कि सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है, और अब प्रिंसिपल के खिलाफ वारंट निकल चुका है और FIR दर्ज की जा रही है और संभवतः उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी होगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ कहा है और ऐसे ही कुछ कमेंट्स किए हैं अपने विद्यार्थियों पर उस प्रिंसिपल के द्वारा, और ये जानकारी न केवल आपको सूचना देती है बल्कि सचेत करती है कि किस प्रकार से शिक्षक के पद की गरिमा को बनाए रखा जाना चाहिए, संयमित रूप से वक्तव्य अपने देना चाहिए, स्टेटमेंट अपना देना चाहिए, नहीं तो इसी प्रकार की शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है और आगे आने वाले भावी शिक्षक इससे सीख भी लेंगे कि इस प्रकार जो भी हम बातचीत कर रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हम अपना बयान दर्ज करवा रहे हैं वह बहुत ही सोच समझ करके और धैर्य के साथ में दिया जाना चाहिए। तो आइए दोस्तों, समझते हैं उस न्यूज़ के बारे में, उस जानकारी के बारे में प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के माध्यम से। राजगढ़ में एक प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। घटना माचलपुर के हायर सेकेंडरी स्कूल की है। बताया जा रहा है कोरोना काल में स्कूल बंद होने की वजह से इस बार लड़कियों की यूनिफॉर्म समय पर नहीं बन पाई। शनिवार को 11वीं और 12वीं की लड़कियां स्कूल गईं। आरोप है प्रिंसिपल राधेश्याम मालवीय ने उनसे अभद्र बातें की। उन्होंने कहा, स्कूल यूनिफॉर्म नहीं मिली तो कल से बिना कपड़ों के ही स्कूल आ जाना। प्रिंसिपल के बयान के विरोध में लड़कियों ने नारेबाजी की और थाने के सामने ही धरने पर बैठ गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। आचार्य हैं आर एस मालवीय, उनके विरुद्ध सिविल ड्रेस पहन के आने पर अभद्र व्यवहार करने संबंधी, उनका अनादर करने संबंधी रिपोर्ट की थी, जिस पर आर एस मालवीय के विरुद्ध प्रधानाचार्य जो हैं स्कूल के, उनके विरुद्ध अपराध क्रमांक 245/21 धारा 355/509 भादरवीं एवं 11/12 पॉस्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।